आज जो आयोग ने 30/5/2024 को स्थगन आदेश जारी किया था, पुनः हमने कमिश्नर को उसकी दूसरी कॉपी दिया। संज्ञान उनको पूर्व में ही लेना था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया था और जंगल की कटाई हुई। आज पुनः हमने उनको दस्तावेज उपलब्ध कराया, लेकिन सरगुजा कमिश्नर के द्वारा जो कटाई हो रही उस पर रोक लगाने में उन्होंने बोला कि मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, मैं नहीं रोक पाऊँगा। ऐसी स्थिति में आयोग ने पुनः उनसे सवाल जवाब किया और पूछताछ की, तो पूछताछ में उन्होंने बोला कि हम दो सदस्यीय कमेटी उसमें जाँच में लगा रहे हैं दस्तावेजों के छानबीन के लिए। जो दस्तावेज हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुए थे, जिसके आधार पर ये सालही हरिहरपुर घाट बर्रा का जो दस्तावेज है उसकी छानबीन के लिए मंगलवार को आयोग यहाँ पर जन सुनवाई रखेगा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में, और उन्हें उन सारे दस्तावेजों की पुनः छानबीन करके और उस पर जो कार्रवाई सुनिश्चित होगा, क्योंकि हमारी जांच छानबीन में वो सभी के सभी दस्तावेज जो ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो ग्राम सभा उन्होंने वास्तव में अपने रूटीन ग्राम सभा को किया था, लेकिन हसदेव का जो जमीन का आवंटन के लिए जो उसमें नीचे लिखा गया है वो गलत है, उसी के परिप्रेक्ष्य में स्थगन जारी हुआ। शिकायत कहीं नहीं करते हैं हम, अपना छानबीन करके इन सारे चीज़ों को महामहिम राज्यपाल को अवगत करा देंगे। प्रथम दृष्टिया आयोग को क्या मतलब वो लग रहा है कुछ? हमने कमिश्नर से और फॉरेस्ट ऑफिसर से दस्तावेज जो मांगे हैं, उन दस्तावेजों के आधार पे हमको ये प्रतीत हुआ कि वो जो दस्तावेज हैं वो सही नहीं है। जिस तरह का हमने उनसे पूछताछ किया है कि कटाई के लिए अनुमति के कागज वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, जो उनको आवंटन का कोल आवंटन की जो दस्तावेज है उसके लिए हमने पूर्व में ही बता चुका है कि ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव लगे हैं वो सही नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।